हरिओम प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसा रहने वाला है, इसका प्रभाव आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि 26 अगस्त को मंगल का परिवर्तन होगा 3:26, तो 27 तारीख से आपके जीवन में क्या बदलाव होगा और ये आने वाले अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर तक यहीं पर रहने वाले हैं मंगल महाराज। मंगल का परिवर्तन ये जो हो रहा है ये बुध की राशि मिथुन राशि में होने जा रहा है। ये इनके शत्रु हैं और मेष राशि वालों के लिए देखा जाए, या मेष लग्न है आपकी या राशि है तो आपके लिए देखा जाए तो मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश हैं, आपके राशि से हैं। तो मंगल का ये परिवर्तन क्या प्रभाव लाएगा ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि कोई भी ग्रह का परिवर्तन किस राशि में हो रहा है, किस भाव में हो रहा है, ये बड़े महत्वपूर्ण स्थिति होती है। ये जो मंगल का परिवर्तन है आपके जीवन में, यदि आप अभी तक महसूस कर रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहा हूं या कर रही हूं परंतु सफलता नहीं मिल रही, तो इस समय आपके कई सारे काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी और आप अपने जीवन में एनर्जी महसूस कर पाएंगे। आपके अंदर जो एनर्जी की कमी थी वो अब दूर होगी। आप किसी भी क्षेत्र में परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, कहीं कंपटीशन में हैं, तो वहां पर सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में योग प्राणायाम करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा समस्या तो नहीं है, परंतु हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। आपको कर्ज से दूर रहना चाहिए और शत्रुओं से भी दूर रहना चाहिए, जो कि आपके शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे, परंतु आपको अपने लगन में रहना है, ना कि शत्रुओं के पीछे भागना है। अपने काम में ध्यान देना है, शत्रु आपके खुद ब खुद नष्ट होते जाएंगे और यदि आप उनसे भिड़ने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि शत्रुता और बढ़ने वाली है। इसलिए समय अपने काम में ध्यान देना ही सबसे बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है आपके जॉब में, या आप इंटरव्यू के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे परंतु सफलताएं हाथ लग रही थी, तो इस समय आपको सफलताएं हाथ लग सकती हैं। यहां पर देखा जाए तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बहुत हाई रहेगा। और कई बार ज्यादा जब हमारे अंदर एनर्जी होती है तो हर एक व्यक्ति उस एनर्जी को संभाल नहीं पाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने उतावलेपन में कहीं कुछ गलत ना बोल जाए, किसी को कुछ अहंकार बस गुस्से में आके किसी को कुछ बोलना जाए, यानी कि कहा जाए कि वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी होगा। यदि आप ये गलती करते हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो इससे समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जो कि काफी अच्छी स्थितियां हैं, परंतु कुछ जो मैंने सावधानी बताई उनको ध्यान में रखना है, जैसे कि ऋण से दूर रहना है यानी कर्ज लेने से दूर रहना है। ये कुछ स्थितियां हैं। देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन का जो प्रभाव है आपके जीवन में दिखने वाला है, परंतु अब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, जो समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए, तो हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। आप नित्य प्रति प्रयास कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के दर्शन करें, इससे आपको मंगल से संबंधित लाभ मिल सकेंगे। मंगल का ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर हो सकेगा। परंतु कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना है, क्योंकि ये अभी आपने जो सुना ये गोचर के आधार पर है। आपको अपनी जन्म कुंडली को एक बार अवश्य चेक कर लेना है
और इसके बाद ही आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।